जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। एक बारी जोया की शादी हो जाए। बताओ इस किताब में क्या लिखा है? ये कि गुस्सा जो है ना, एक बहुत प्राइवेट चीज होता है, उसे पब्लिकली नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि वो आपकी पहचान बन जाती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हमारे बच्चे काबू में है ना आज तक, तो मेरे गुस्से की वजह से। वो हमसे प्यार करते हैं इसीलिए काबू में है, गुस्से से डरते हैं और इसी वजह से वो भागते हैं। बाबा सॉरी। आ जाओ। मामा आप सो गई हैं? मामा आपको पता है ना, मैं सबसे ज्यादा प्यार आपसे करता हूँ। झूठे बदतमीज कहीं का। बहुत बदतमीज हूँ वाकई, इसलिए शादी सिर्फ तानिया से ही करूंगा। देखा देखा आपने, मैंने कहा था ना कि ये वापस मेरी वजह से नहीं आया। जिसने भी इसे रोका है तुम्हारे लिए ही रोका है। जरूरत नहीं है किसी की कि मेरे बच्चों को मनाए मेरे लिए, मैं ही काफी हूँ। सोने दे मुझे। खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। अगर आप तीनों यहां से गए और आप लोगों की वजह से अगर दादू को कुछ भी हुआ, तो मैं आप तीनों को जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। दादू अमी, इन सब से कह दो यहां से चले जाएं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है सिवाय तानिया के, कोई मुझे छुएगा नहीं। इन्हें बताओ कि मुझे शोर पसंद नहीं है, एंजाइटी होती है मुझे इस गुलगा पाड़े से। चले जाएं यहां से। और शनू कहां है? इधर इधर ही हूं दादी, ये रही मैं। अमी प्लीज हॉस्पिटल चलें। कहीं नहीं जाऊंगी मैं, अपने घर पे ही मरूंगी। जब मुझे मरना होगा यहीं मरूंगी मैं। ये एक्टिंग कर रही है? आपके सामने देख भी नहीं है आप कितनी बीमार, कैसी बातें कर रही हैं? ये तो मेरे से भी ज्यादा अच्छे एक्ट्रेस निकले। मैं तुमसे कह रही हूँ इनको बता दो कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है शोरगुल, ये तमाशेबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। इनसे कह दो मेरे कमरे से निकल जाए और मुझे टेबलेट खिलाओ। अच्छा बीजान, आपका बीपी भी तो चेक करना है ना। नहीं बस, क्या जरूरत है वैसे? वो नहीं, मुझे तो बीमार होने की आदत ही नहीं है। इन लोगों ने मुझे बीमार होने तक का टाइम नहीं दिया, फुर्सत ही नहीं दी, अपनी मुसीबतों में डाले रखा हमेशा। बीजान आप ये जो सब कर रही हैं, ये इसलिए कर रही हैं कि हम घर छोड़ के ना जाए या फिर तानिया की शादी रुकवाने के लिए? देखो तानिया, मैं ये चाहती हूँ कि जब तक हम सब का दिल सवेरा की तरफ से साफ ना हो जाए, ये शादी ना हो, बस। आप बेफिक्र हो जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ मैं भी तो ये चाहती हूँ कि सब लोग सुकून से और खुशी खुशी रहें। और देखो तुम सवेरा से लड़ना मत। आप फिक्र ना करें, नहीं लड़ूंगी मैं उससे। ठीक है अब तुम लोग जाओ, खड़े क्यों हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या कर रही हो? जामिश्री बना रही हूँ। तुम एक काम करो, जल्दी से मुझे ग्लास और चम्मच ला के दो, जल्दी करो। थैंक यू। चम्मच कौन लाएगा? ले आओ जल्दी से। हियर यू गो। थैंक यू।
किधर है हमारी बॉटल? जामुन शीरी और दूध का क्या कॉम्बिनेशन है? नहीं, I absolutely love it. मुझसे तो इसके बगैर दूध पिया भी नहीं जाता. पहले मैं तुम्हारा मिक्स कर दूँ, क्योंकि तुमसे तो इंतजार होगा नहीं. पहले तुम्हारा मिक्स कर देती हूँ. Here you go. जानू मानू चूचू क्या कर रहा है? मेरे जानू मानू की आपा बेगम क्या कर रही है? कुछ तो बताओ, इतना टाइम हो गया. ये किसका मैसेज है? मेरे जानू मानू चूचू क्या कर रहा है? मेरे जानू मानू की आपा बेगम क्या कर रही है? कुछ तो कॉल करता हूँ. फ्रेडी, दानिश. हाँ? क्या मसला है? कोई नई मुसीबत आई है क्या? क्यों यार, मैं बार बार चीजें सेट करती हूँ अपने हिसाब से और तुम सब गड़बड़ कर देते हो. तो हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ. आप भी कुछ नहीं हुआ. तानिया ने तुम्हें कुछ कहा है या तुमने उससे कुछ कहा था और उसने तुम्हें ठेंगा दिखा दिया है ना? अरे नहीं भाई, क्या हो गया है? तो फिर क्या हुआ है? आप ही कुछ नहीं हुआ है. मुझे काम करने दे, छोड़ दे मुझे अकेला. झूठ मत बोलो तुम. Still in love with her? आप ही आप यहाँ से जा रही हैं, मैं जाऊँ? ऐसे नहीं है यार, तुमने सारी सेटिंग खराब कर दी. ये नीचे नहीं था, ऊपर था. तो फिर आप सेट कर लेना, मैं यहाँ से चला जाता हूँ. हाँ तो जाओ. जी. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. मुझे एक नंबर का पता करवाना था. मुझे बार बार इस नंबर पे कॉल आ रही है, लेकिन जब भी मैं कॉल बैक करता हूँ तो वो फोन नंबर बंद होता है. जी मुझे पता है ब्लॉक करने की ऑप्शन भी होती है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज. आपको कस्टमर सर्विस में नहीं, थानेदार नहीं होना चाहिए था. बात करने की तमीज ही नहीं है. एक मिनट, मुझे एक बात बताएं, ये आपको बार बार आपा बेगम का क्यों कहते हैं? ये बताने के लिए कि वो आपा बेगम को जानती है. आज तो मुझे कॉल करके कहा है कि बारात ले आओ. नहीं मामा जी, मामा जी ये मुमताज है, 100% ही मुमताज है, और कोई हो ही नहीं सकता. मुमताज जी, दंगा बड़ी की बहन मुमताज. मुमताज है यार. महम, मैंने फ्रेडी से कहा था कि अपने पेरेंट्स से मिलवाए तो तुम किसी दिन उन्हें चाय पे बुला लो. क्यों? क्यों? इस क्यों का जवाब है मेरे पास, मगर उनके पेरेंट्स से मिलने के बाद दूंगा. बाबा इतनी जल्दी क्या है आपको? है जल्दी. तुम मुझे एक बात बताओ, तुम फ्रेडी के बारे में क्या सोचती हो? मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं सोचती, बस फनी लगता है मुझे. मुझे वैसे लगता है कि तुम्हें पसंद भी करता है. बाबा वो बदतमीज है, फजूल बातें करता है. मैंने तो उसको कभी इतना सीरियसली लिया ही नहीं. तो सीरियसली लो माहम बेटा उसको, मेरे लिए ही विल बी अ बिग सपोर्ट. मैं उसे कॉल करता हूँ. नहीं बाबा, आई थिंक इट्स टू अर्ली फॉर मी टू थिंक अबाउट इट. बेटा मैंने उससे काम करवा के आजमा लिया. जिस तरह उसने दानिश के सनमा के इश्यूज को रिजॉल्व किया, कोई और नहीं कर सकता. इसीलिए मैं टाइम जाया नहीं कर सकता, मैं उसे कॉल कर रहा हूँ. कहाँ है मेरा मोबाइल? कमरे में. देख रही हो, कोई भी तुम्हारे सामने नहीं आ रहा. अपनी ये चंगेजी किस्म की हरकतें बंद करो. जेम्स, जेम्स! आराम से. जी 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 साहब. साहब ने नहीं बुलाया तुम्हें, मैंने बुलाया है. मुझे अपनी जान प्यारी है, इसलिए मैं साहब से बात कर रहा हूँ. अब ये भी होगा? बच्चे क्या अब तक सो रहे हैं? सबकी नींदें उड़ी हुई हैं, देर रात तक सब जाग रहे थे, चाय पे चाय पी रहे थे और प्लान बना रहे थे. क्या प्लान? अपने तारीख मुस्तकबिल के बारे में सोचते रहे होंगे. तारीख मुस्तकबिल तो मैं रोशन करूंगी. चीची की गाड़ी ना टोल प्लाजे से पहले ही खराब हो गई. बताया था मुझे रात को रोहान ने.
अब उनको अकेला छोड़कर आ गई। कितनी गलत बात है सनी, आपको पता है उन्होंने घर में किसी को बताया भी नहीं आपने उनके साथ क्या किया। क्यों करती हैं आप ऐसे उनके साथ? मुझे क्या पता था कि उसकी गाड़ी बिल्कुल उसकी जैसी होगी। बहुत गलत बात है सनी जी, आप क्यों उनके बारे में ऐसा बोलती? उनकी क्या गलती है पता है? उनकी क्या गलती है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आपके नाम कर दी। जो आप बोलती हैं सर झुका कर कर लेते, कुछ भी नहीं बोलते, और आप उनकी सादगी और मोहब्बत का मजाक उड़ाती हैं। तू इतनी मैच्योर कब से हो गई? सनम जी, मोहब्बत एक बहुत कीमती चीज होती है, उसकी कदर करें। कहाँ हैं सब? हरी भाई रोहन जल्दी आ यार, मुझे वॉशरूम जाने है। आपा जाऊं? सीधे खड़े रहो। क्या हो गया? आ गया क्या? सबसे पहले तो तुम तीनों अपने मोबाइल यहाँ रख दो। क्यों क्यों मामा? बट व्हाई? क्योंकि मैं बात करना चाहती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बात के बीच में फोन बजे। जेम्स फोन ले लो सबसे। अभी लेता हूँ। शराफत से दे दो। अरे फैटी भाई का फोन। कान भाई मेरा भी मालिक से भी दे दो। अब ये बताओ कि रात को 3 बजे कौन सी इमरजेंसी मीटिंग हो रही है? मैं सो गया था। हम तो 11:30 बजे सो गए थे। अच्छा, और तुम क्या कहकर भागे थे तुम? मामा मैं तो सच बोलकर भागा था ना। ये भूत तुम्हारे सर से उतरेगा नहीं। ठीक है, मैंने भी एक फैसला किया है। माँ हम ये किसका फोन है? हेलो फ्रेडी, पापा तुम्हारे पेरेंट्स से बात करना चाह रहे हैं। देखो वो तुम्हें कॉल करे ना तो प्लीज कोई बहाना कर देना, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। और जो सही बात है, मेरा तुम्हारे से शादी करने का कोई इरादा नहीं है। बहुत फजूल इंसान हो तुम फ्रेडी। वाह भाई वाह, मजा आ गया। आपा पापा मिलना चाहें तो मना कर देना। मगर उसने तुम्हारे बेटे को फजूल कैसे कहा? उसकी इतनी हिम्मत? ये है ही फजूल इंसान। मैं भी तो देखूं कौन से हीरे जड़े हैं। इसके अब्बा का फोन आए तो कहना कि हम चाय पर आएंगे। हाँ छोड़ो, तो बेल से ही पता लग रहा है कि चुपताई का फोन है। चीची आई एम सॉरी, देख मेरी वजह से जो नुकसान हुआ है ना वो सारा मैं भरूंगी। आई प्रॉमिस। अच्छा ही होता अगर बी जान उस दिन तुम दोनों को गोली मार देती। अरे जान छुट जाती मेरी तुम दोनों से। चुकताई के नंबर पर किसका फोन आया था बताना जरा। भाई साहब आपको क्या मसला है भाई? अरे इसकी महबूबा का, जिसपे ये गाड़ी निसार करके आए। तो मामा फिर मैं जाऊं, फोन दे दे। अच्छा तू भी गोली खाएगा? हाय अल्लाह, मेरी वाली ने कैसे कॉल कर ली, वो तो कभी नहीं करती। दाहनिया बीबी किसी की कमी थी। हेलो, हाँ मेरी बात सुनो, आज रात को फिर से कहीं भागने का इरादा तो नहीं है? लेने आऊं? उसने रोका था तो और क्या,
गलती से कर ली होगी। मैंने भी ना एक फैसला किया है, और सुन लो तुम दोनों, इस घर में उस फिल्मी खानदान से सिर्फ एक ही बहू आएगी, या सनम या तान। सनम या मामा जी, मेरी मंगनी हो चुकी है, मेरी शादी पहले होगी। मंगनी टूट भी सकती है मेरे बेटे, सनम आएगी। मामा जी, आपका प्यार झूठा है, मेरा सच्चा है। अरे भाई, झूठा निकलेगा तेरा, बेफिक्र हो जा, सनम आएगी। मामा, मेरी इनकी नहीं। अरे बस भी करो, जान लोगे क्या एक दूसरे की? शाम तक का वक्त है तुम दोनों के पास, फैसला कर लो कि कौन बनेगी इस घर की बहू। हद हो गई है सवेरा, क्यों मामा भांजे को लड़वा रही हो? अरे इन दोनों ने भी तो मेरा कितना खून जलाया, आशिकों का मैदान बना के रखा हुआ है घर को। और फ्रेडी, तुम इस लड़की की वजह से पाकिस्तान में रुके ना? तो और क्या? बिल्कुल नहीं मामा, मैं तो मामा जी की मदद करने के लिए रुका था। झूठा, मेरा कोई चक्कर होकर नहीं चल रहा, और ना ही मुझे शादी करने कोई शौक है, और अगर शादी करूंगा भी तो मामा आपकी मर्जी से करूंगी। झूठा मकार। अच्छा मामा, मुझे छोड़े ना, इन दोनों की सोचे, रात तक क्यों वेट करना है, अभी फैसला कर लेते हैं। भाई अगर दोनों ही आ जाए तो इसमें क्या बुराई है? करेक्ट भाई साहब, एग्रीड। चुप रहे आप तो, बताओ कैसे? अब टॉस कर लेते हैं। टॉस नहीं फ्रेडी। फिर क्या मामा जी? मुकाबला होगा। अच्छा, मैं भी तैयार हूं। तो फिर हो जाए शादी मुकाबला। मैं तो देखने तक भी नहीं आऊंगा ये घटिया मुकाबला। ओ सनम जी, आइए आइए, आपके लिए काफी बनाई है शायद लास्ट टाइम के लिए, पी लें। क्यों, क्या बनने वाली? कमरे में बंद रह के ना आपकी जबान और भी ज्यादा कौड़ी हो गई है। मैं कमरे में ही अच्छा हूँ। अच्छा हसान साहब, मैंने ना आपसे एक बहुत सीरियस एडवाइस लेनी है। मैं किसी को कार गिफ्ट कर रही हूँ, तो मुझे कोई ऐसा मॉडल बताएं जो मुनासिब भी हो और सोना भी। मतलब ये कौन बदनसीब है जिसको फ्री गाड़ी गिफ्ट में मिल रही है? एक ही है जो आंखों का भी अंधा है और अकल का भी। तुम चुपताई को गाड़ी गिफ्ट कर रही हो? बात यहां तक पहुंच गई? बात यह है सांसा साहब कि मेरी वजह से ना उसकी गाड़ी को बहुत नुकसान पहुंचा था, तो आई वांट टू फिक्स द सिचुएशन। हेल्प कर देना मेरी। ओके, चलो मैं देखता हूँ। चलें पिए कॉफी। ऑफ कोर्स आपकी कॉफी। शादी मुकाबला? ये फ्रेडी ने क्या भेजा है? फ्रेडी ने क्या मैसेज किया है? शादी मुकाबला? शादी मुकाबला, ये क्या होता है? ये क्या है? ऐलान 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 ख्वातीनो हजरात, मामा जी और रोहान भाई के बीच में मुकाबला, शादी उसी की होगी जो मुकाबला जीतेगा। हंसने की जरूरत नहीं है, बहुत सीरियस बात है यार। हाँ, मामा जी कंपटीशन जीत गए तो क्या होगा रोहन? वही तो मैं तुमसे पूछने आया हूँ, अगर मामा जी कंपटीशन जीत गए तो क्या होगा? शादी हो जाएगी उनकी, और क्या। वो शादी कर लेंगे तो हमारा क्या बनेगा? हम सेलिब्रेट करेंगे रोहन, तुम लड़के वाले और हम लड़की वाले। दानिया, रोहन अगर मैं हार गया तो मुझे एक बात का डर, तुम्हारी मम्मी अच्छी सी लड़की ढूंढकर तुम्हारी डोली बिठा लेंगे, है ना? नहीं यार, फिर तुम्हारे डैड तुम्हारी शादी दानिश से करवा दें। इतने तुम हर बात में दानिश को क्यों ले आते हो रोहन? यार वो बहुत तेज चीज है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं पहचान गया उसे। मैं तुम्हें कुछ याद कराऊं? बाबा ने बोला है कि शादी सिर्फ डिले हो रही है, जब तक हम अपने काम शाम करेंगे सारा कुछ सेट हो जाएगा, शादी हो जाएगी, राइट? हाँ, लेकिन मामा ने जो बातें की हैं उसके बाद अंकल एहसान तोड़ भी सकते हैं ना। बट
बाबा ने कुछ ऐसा बोला नहीं है तो आई थिंक वी शुड बी पॉजिटिव। तुम एक बार कह दो कि तुम मांगी नहीं तोड़ोगी। आई विल ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। तुम जाओ, एक बार कंपटीशन जीत गया सब पॉजिटिव हो जाएगा। मामा जी जीतूंगा तो मैं। हेलो, एक बात करनी थी। मुझे शादी से पहले मूवी बनानी है और मैंने स्क्रिप्ट भी लिख लिया। Really? That's awesome, यार। Thank you. Nice. But एक प्रॉब्लम है। क्या? मुझे ना कोई अच्छा डायरेक्टर नहीं मिल रहा। मैं सोच रही हूँ कहीं ढूंढूं। तुम जरा कोई बताओ ना ऑप्शंस। मैं ढूंढूं? क्या मतलब यार, तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है बेस्ट डायरेक्टर, तुमने मेरा काम नहीं देखा? देखा है? Dark, twisted. वो तो रिक्वायरमेंट थी और वैसे भी उस टाइम मैं पढ़ रहा था। मैं बहुत अच्छा डायरेक्टर हूँ, ये तो बस तुम्हारे चक्कर में। खैर, मामा और डैड आज माम के अबू से मिलने जा रहे हैं। Really? हाँ। माम मान गए क्या? Yes. Interesting. चलो ऐसे तुम डायरेक्टर तो ढूंढो। क्या मतलब यार, मैं हूँ ना। अच्छा सा डायरेक्टर ढूंढ के। मैं बेस्ट हूँ। अच्छा। हाँ। Sure. दानिया बीबी, दादी जान, एहसान साहब, सनम जी, तानिया जी, नहीं अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ बैठेंगी तो ये एक दूसरे को ही खा जाएंगी। तो एक काम करती हूँ, एहसान साहब को इधर कर देती हूँ। नहीं मगर इन दोनों के बीच में बैठेंगे तो बेचारे पिस जाएंगे। क्या कहूँ, दानिया बीबी नहीं, तानिया के साथ तो कभी भी नहीं बैठेंगी। एक काम करती हूँ ना, सनम जी को तानिया बीबी के साथ बिठा देती हूँ। ये हाँ, और बड़ी आसान बात है, ये एहसान साहब नहीं, ये दोनों आमने सामने तो नहीं। या खुदा, ये शेर और बकरी एक मेज पे खाना खाएंगे कैसे? एक्सक्यूज मी, ये एहसान साहब और सनम आमने सामने, ये तो तानिया जी को बर्दाश्त ही नहीं होगा। मेरे पल्ले नहीं पड़ा। हाँ फ्रेडी, अच्छा मुझे बताओ कि कितने बजे तक आओगे तुम लोग? 5:30 बजे तक। लेकिन अंकल आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। हाँ हाँ। प्लीज माहम को ना बताइएगा, वो सुनकर बहुत नाराज होगी। अच्छा हाँ, नहीं बताऊंगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। चलो ये सब कहाँ रह गए, बुलाओ उनको। भाई मैंने अपना काम कर दिया, सबको आवाज दे दी है, अब सब नहीं आ रहे तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। आप आवाज दे के देखें। जाके बताओ उनको कि मैं बुला रही हूँ। इतनी देर में आ रहे हो? शनो, ये घास फूस मैं नहीं खाती ना, मुझे तो देसी घी तुझे पता है पसंद है, उठा ले इधर से। ये ऑयली खाना तो देखना दूर, मैं खा भी नहीं सकती, हटाओ मेरे आगे से। ये क्या तूने बनाया है? मैं सब खाना नहीं खाता, तुम्हें पता भी है। शनो ये क्या बिरयानी मेरे लिए? तुम पता मुझे पसंद है, तानिया के होते हुए मैं बिरयानी खाऊं? उसके सामने रखो। नहीं एक मिनट, ये आप लोग खाना खा रहे हैं या शतरंज खेल रहे हैं? बताएं जरा, खाने की टेबल नहीं होगी, कोई जंग का मैदान हो गया। मैं ना आप सब लोगों को बता रही हूँ, अगर आप लोगों ने मुझे इतना परेशान किया ना और ऐसे ये बच्चों की तरह छोटी छोटी बातों पे झगड़ने लगे ना तो मैं चली जाऊंगी, मैं वापस चली जाऊंगी अपने घर। हाँ नहीं तो जिसको देखो उसको नाश्ता मैं उनके कमरे में सजा सजा के दूं। किसी को यहां नहीं सोना, किसी को वहां नहीं सोना, किसी को किसी के साथ चाय नहीं पीनी तो किसी को किसी के साथ खाना नहीं खाना। कॉन्फिडेंस देखिए आप,
मैंने तो दिया है। ठीक है, हंसो हंसो सब, हंसो, मजाक उड़ाओ मेरा, करते ना आप लोग अपना मजाक, अपना खिल्ली टड्डा। मैं चली जाऊंगी, मैं बता रही हूँ, किसी से बात नहीं करूंगी मैं। कभी कभी इसका भी हक है, गुस्सा करने दिया कभी। अच्छा भाई, खा लो क्या, मैं चमचे से खिलाऊंगी तुम लोगों को। वैसे इतना बुरा भी नहीं है, अच्छा होता है फाइबर हेल्थ के लिए। गुस्सा आ रहा है इसलिए पानी पी रही, शायद ठंडा हो जाए। आज बड़े अच्छे लग रहे हो फ्रेडी। थैंक यू अंकल। आपका घर बहुत खूबसूरत है, वेरी नाइस डेकोर। बस माहम के काम है, अभी सुबह ही कह रही थी कि मुझे पूरा घर रेनोवेट करना है, सिर्फ ये नुकसान हुआ है उसे आर्किटेक्ट बनाकर। ओह अच्छा, आप उसे मिलवाए ना। जी जी बिल्कुल, वैसे उसे मालूम नहीं है कि आप लोग इस तरह तशरीफ लाने वाले हैं, मैं बुलाता हूँ। एक्सक्यूज मी। बहुत डिसेंट टेस्ट है लड़की का, हमने बताया क्यों नहीं आर्किटेक्चर पढ़ा उसने? मामा उसने मना किया था पेरेंट्स को बताने से। क्यों? वो आओ मामा, आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी बेटे, इस तरह बगैर बताए आ गए। नहीं इट्स ओके, मैं आप लोगों के लिए चाय या कुछ लाऊं? अरे नहीं छोड़ो, बैठ जाओ। अरे नहीं नहीं मामा, चाय का बंदोबस्त करो ना। जी, मेरे ख्याल में जो हम बात करने आए थे वो कर लेनी चाहिए। जी जी बिल्कुल करें। एक्चुअली हम फ्रेडी के लिए माहम का हाथ मांगना चाहते हैं। अच्छा, अच्छी बात है, मगर मुझे माहम से बात करनी होगी पहले। ऑफ कोर्स, बस जवाब थोड़ा जल्दी मिल जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं चाह रही थी एक्चुअली दोनों बेटों की ना साथ ही शादी कर दूं। जी जी बिल्कुल। वैसे आप क्या करते? नोमान बिल्डर्स का नाम नहीं सुना आपने? ऑफ कोर्स, जी बिल्कुल। सनम जी, रोहान की मामा ने बोला है कि वो हमारे घर से सिर्फ एक ही लड़की ब्याह के लेके जाएंगे, या आप या मैं। क्या मतलब? मतलब ये कि उन्होंने रोहान और मामा जी के दरमियान में एक कॉम्पिटिशन रख दिया है, और जो कॉम्पिटिशन जीतेगा अपेरेंटली वो दुल्हनिया ले जाएगा। तू मजाक कर रही है मेरे साथ? मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही, और ना मुझे लग रहा है कि रोहान की मामा कर रही है, बहुत सीरियस लग रही थी वो इस मामले में। ना भाई, कोई किसी की शादी ऐसे कैसे करा सकता है। नो, रोहान की मामा करा सकती हैं। अरे फ्रेडी ने ये कौन सा ग्रुप का इनविटेशन भेजा है मुझे? शादी मुखाब? ऐलान 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 ख्वातीनो हजरात, मामा जी और रोहान भाई के बीच में मुकाबला, शादी उसी की होगी जो मुकाबला जीतेगा। ये क्या हरकत है भाई? चुखताई तो कभी स्कूल में रेस में नहीं जीता, तो रोहान से क्या जीतेगा? लेकिन जितना जनूनी वो सनम के पीछे है, अगर उससे रोहान को हरा दिया तो दानिश, वो ही तो दानिया से शादी करना चाहता है। दानिश की हेल्प लेनी होगी। हेलो। हेलो, इनविटेशन मिला? देखा? जी मैं देख लिया। समीरा आंटी, जो इवेंट है ये आपके घर पे? हाँ, लड़कों ने अजीब मुश्किल में डाल दिया है। कह रहे हैं कि भाई दोनों कैंडिडेट्स के बीच में मुकाबला होगा, और फिर फैसला होगा कि कौन बहू बनकर आएगी, सना या दानिया। पचकाना हरकतें हैं इनकी। समीरा आंटी, आप क्या चाहती हैं? क्योंकि आप ही तो चाहती हैं। दानिश, तुम्हारी सपोर्ट चाहती हूँ। देखो, मुझे मुमताज वाकई बहुत पसंद है, और मैं चाहता हूँ रोहान हार जाए।
क्या कहा? नहीं नहीं, मैं कह रहा था मैं आ जाऊंगा। परफेक्ट, तो फिर मिलते हैं, बात करते हैं। ओके आंटी। ओके, नाफिस। शादी में मुकाबला, क्या बात। खवातीन 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 और जेम्स, वेलकम टू शादी मुकाबला। जो जीता उसकी शादी। तो आपकी भरपूर तालियों में बुलाते हैं अपने पहले कंटेस्टेंट को, नन अदर देन मामा छी 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 छी। तालियां। अब बुलाते हैं हम सब के चहीते, मेरे बड़े भाई, मेरे दिल के शहजादे, रोहन। रोहन। Yeah, yeah. तो मेरे दोनों कंटेस्टेंट्स रेडी हैं? मामा जी, ऑलवेज फाइन भाई, रेडी। तो करना सिर्फ इतना होगा कि रुक जाओ, दानिश को तो आने दो। दानिश क्यों? तालियां बजाने, वाटर बॉय है, पानी पिलाएगा मैं। नहीं, वो कंपटीशन का फैसला करेगा क्योंकि मैंने उसको रेफरी बना दिया है। मामा मैं, गुड आइडिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। देयर यू गो। कैसे हो आप लोग? ठीक है? नरेश, रेडी? वहां जाके बैठो। ये इतना खुश क्यों है? मुझे पता चला है कि यहाँ हो रहा है शादी मुकाबला, और आप लोगों को पता होगा कि यहाँ के रूल्स डिसाइड करूंगा मैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये भी मैं डिसाइड करूंगा। एवरीथिंग क्लियर रोहन? चलिए हम लोग अपने पहले गेम की तरफ बढ़ते हैं। मामा जी, थैंक यू। रोहन, ये स्टूपिड गेम है। चले गेम स्टार्ट करते हैं। आजा। ये क्या? आजा आजा, बता तो बता दो, यहाँ पे आजा। जो सबसे पहले उस शादी मुकाबला के बोर्ड को हाथ लगा के वापस आएगा वही हमारा होगा पहले राउंड का विनर। ओके, मैं बताता हूँ कब जाने के। रुको रुको। ओके जी, कम तुझे क्या लगता है? कम ऑन, कम ऑन रोहन भाई, कम ऑन रोहन भाई। ऑन योर मार्क्स गेट सेट रोहन भाई। यस 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 य